प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों आप जानते हो, बिना वचन बोले आपका और मेरा प्रार्थना अधूरा है, पूरा नहीं है। शैतान डरता है तो एक ही चीज से डरता है, ओ है खुदा के वचन से। वो आपसे नहीं डरता, आपके अंदर में जो बसा है उस खुदा से डरता है, उसके वचन से डरता है। बहुत सारे लोग सोने के लिए जा रहा है रात को और बोल के, प्रभु मैं अपने आप को तेरा ब्लड से ढकता हूँ, परिवार को ढक के जाता हूँ सोने के लिए, अच्छे से सोए प्रभु, अच्छा नींद दे प्रभु, ऐसा प्रार्थना करके आप सो जाते हैं। अधूरा है आपके प्रार्थना, अधूरा है। जी हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके प्रार्थना अधूरा है। रात को सोने से पहला प्रार्थना कैसा करना चाहिए? बिना वचन बोले आपका और मेरा प्रार्थना, मैंने बोला अधूरा है। आपको प्रभु का वचन अपने मुंह से, जवान से बोलना पड़ेगा, तभी वो प्रार्थना पूरा होता है, तभी शैतान डरता है और आपके जीवनों में काम नहीं करता। जैसा अगर आप बीमार हो तो आप बोल सकते हो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुका हूँ। इसका मतलब आप चंगा हो चुका हो। कोई भी अंधकार के शक्ति के अंदर इतना भी ताकत नहीं है कि इस वचन को गलत साबित करे, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुका है, मतलब हो चुका है। जी हाँ, वैसे ही जब रात को सोने के लिए जाते हो तो आपको और मुझको खुदा के वचन के साथ प्रार्थना करके सोने के लिए जाना। कौन से वचन रात को सोने से पहले हम बोले, मैं आपको देने वाला हूं। नोट कर लो अपने डायरी में, इस वीडियो को सेव कर लो, दूसरों को शेयर कर दो। भजन संगीता 127:1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ ही होगा। हाँ खुदा, अगर तू मेरा घर को नहीं बनाया तो जो भी मजदूर ने मेहनत किया वो व्यर्थी है। अगर तू मेरे शहर को रक्षा नहीं किया रात को, तो पहरेदार जो जाग रहा रात को, सिटी बजा बजा के मेरे शहर की रक्षा कर रहा है, जो पुलिस, जो लोग हमारे देश, हमारे शहर को रक्षा कर रहा है, प्रभु उसका जागना व्यर्थी है। तू ही खुदावन हमारे शहर को रक्षा करता है। अब तू अपने एंजल को भेज और खुदावन हमारे शहर को, मेरे देश को, मेरे मोहल्ले को खुदावन प्रोटेक्ट कर इस नाइट पे। आप ऐसे करके बोल सकते हो, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। जागना का मतलब क्या? रात को वो जाग के आपको पहरा दे रहा है कि आप अच्छे से सो, कोई चोर डाकू आपको ना आके अटक करे, इसीलिए वो पहरा देता है। ऐसा करके आप प्रार्थना कर सकते हो। आगे में आप बोल सकते हो, प्रभु तेरा वचन नीति वचन में 3:24 आयत में लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। परमेश्वर, जब मैं लेटूंगा तब मैं भय नहीं खाऊंगा, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है। जब मैं लेटूंगा तब मुझे सुख की नींद खुदा तू मुझको देगा, तेरे वचन में लिखा है, तूने वादा किया है। वचन का मतलब है खुदा का वादा, प्रॉमिस। और आपको बोलना है, हे खुदा मुझे कोई डर नहीं, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मुझे सुख की नींद दे जैसा तेरा कलाम में लिखा है, और अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। अगर आप ईमानदार हो, वफादार हो खुदा के साथ, पाप नहीं कर रहे हो, तो 100% ये वचन आपके जीवनों में काम करेंगे, 100% काम करेंगे। आगे में आप भजन संगीता 91:4 को बोल सकते हो, और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हाँ परमेश्वर, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेता है, इस नाइट पे खुदावन तू मुझे अपने पंखों की आड़ में ले ले, मेरे फैमिली परिवार को अपने पंखों की आड़ में ले ले। परमेश्वर तेरे वचन मेरे लिए सच्चाई है, मेरे लिए ढाल है, तू मुझे प्रोटेक्ट कर खुदावन इस नाइट पे। मैं अपने आप को, मैं अपने फैमिली परिवार रिश्तेदार सभी को, गाँव मोहल्ले को तेरे पंखों की आड़ में छिपा देता हूँ खुदावन इस नाइट पे। आप ऐसे करके बोल सकते हो इस वचन के साथ। आगे में आप ए भी वचन को बोल सकते हो, भजन संगीता 91:5, परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर तेरा कलाम में लिखा है, मैं रात के कोई भी भय से नहीं डरूंगा, कोई भी विपत्ति आंधी तूफानों से मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर कोई तीर जो दिन को उड़ता है उससे भी मुझे कुछ हानि नहीं होगा, तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तेरा कलाम में लिखा है खुदावन। आगे में आप ये भी बोल सकते हो, भजन संगीता 91:6,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर जो मरी जो महामारी रात को फैल रहा है परमेश्वर उससे मुझे कुछ हानि नहीं है। तेरा कलाम में लिखा है खुदावान परमेश्वर तू मुझको प्रोटेक्ट करेगा, तू मुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। खुदावान तेरा वचन में लिखा है जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगा। अब मैं लेटने के लिए जा रहा हूँ, मेरे सोने के लिए जा रहा हूँ। खुदावान मुझे सुख की नींद दे, मुझे आनंद के साथ मेरे को सुला। प्रभु यीशु मेरे सपने में आँख के मुझसे बातें कर, मेरे फैमिली परिवार को प्रोटेक्ट कर। इस नाइट पे मैं अपने आप को तेरा ब्लड से कवर करता हूँ, तेरे पंखों की आड़ में छिपाता हूँ खुद को, मेरे फैमिली परिवार गांव मोहल्ले चर्च को सभी को प्रभु यीशु तेरा ब्लड से कवर करते हुए खुदावन मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब ऐसे कर किस वचन को बोल कर आप प्रार्थना करोगे तभी आप 100% प्रोटेक्ट रहोगे। अरे वीडियो अपने दोस्त सभी के साथ शेयर करो। गॉड ब्लेस यू।